रो में देखने को मिले न्यू टैग टीम चैंपियंस, और क्या ब्रोक लेसनर स्टैंड अप कॉमेडियन बनने वाले हैं। तो गाइस WWE मंडे नाइट रो 10 जनवरी का एपिसोड हो चुका है, जिसमें रॉयल रंबल को लेकर जबरदस्त बिल्डअप देखने को मिला और यहां पर अल्फा एकेडमी रैंडी ओर्टन और मैट रिडल को हराकर न्यू टैग टीम चैंपियन बन गई। साथ ही ब्रोक लेसनर और बॉबी लेसली के बीच जबरदस्त सेगमेंट देखने को मिला। तो इस वीडियो में हम इसी सेगमेंट को हिंदी में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मंडे नाइट रो की शुरुआत होती है WWE चैंपियन ब्रोक लेसनर की एंट्री के साथ। यहाँ पर उनके एडवोकेट पॉल हेमन भी उनके साथ होते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है पॉल हेमन। I have the honor to present to you the reigning, defending, undisputed WWE heavyweight champion of the world, Brock Lesnar। फिर माइक ब्रोक लेसनर के हाथों में आता है। वह ज्यादा कुछ कहते उससे पहले ही बॉबी लेसली का थीम म्यूजिक सुनाई देता है। बॉबी लेसली के साथ MVP भी होते हैं। बॉबी लेसली कहते हैं कि ब्रोक लेसनर के साथ रिंग में खड़े रहना मेरे लिए सम्मान की बात है। ब्रोक लेसनर के साथ स्पोर्ट्स लाइट शेयर करना भी सम्मान की बात है, और मैं बड़े सम्मान के साथ बताना चाहता हूं कि तुम पिछले 20 सालों से मुझसे छुपकर भाग रहे थे। तो ब्रोक लेसनर हंसते हुए कहते हैं कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे साथ रिंग शेयर करना बड़े ही सम्मान की बात है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूंगा पिछले 20 सालों के लिए, क्योंकि उस वक्त मैं सभी बड़ी चैंपियनशिप जीतने पर फोकस कर रहा था, और Day 1 PPV से पहले मैं ये तक नहीं जानता था कि बॉबी लेसली है कौन। अगर तुम हिम्मत करके कभी मेरे सामने एरिना में आते तो हमारा मुकाबला पहले ही हो जाता। खैर, मैंने Day 1 PPV में तुम्हें हरा दिया था। फिर बॉबी लेसली ब्रोक लेसनर का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम काफ़ी अच्छे कॉमेडियन हो, और मैं जब तुम्हें रॉयल रंबल में हरा दूं तो तुम स्टैंड अप कॉमेडी में करियर शुरू कर देना। फिर इसी स्टैंड अप कॉमेडी वाली बात पर ब्रोक लेसनर और पॉल हेमन बॉबी लेसली के ऊपर एक जोक सुनाते हैं, जो कि वहाँ पर बैठे क्राउड को काफ़ी फनी लगता है। अंत में ब्रोक लेसनर कहते हैं कि मुझे हराने के सपने तुम छोड़ दो, क्योंकि मुझे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और उसके बाद ब्रोक लेसनर यहां से चले जाते हैं, और इसी दौरान शेड्रिक एलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन बॉबी लेसली के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि बॉबी लेसली उन्हें काउंटर करते हुए इन दोनों को धराशायी कर देते हैं, और इसी के साथ यह सेगमेंट पूरा होता है। तो गाइज, क्या है आपके ख्याल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।